आप सबका स्वागत है। आज हम 30 मार्च के चुरवरदान में आ चुके हैं और यहाँ पर परमात्मा सिखाते हैं कि हर कर्म को देवता के द्वारा करने में जो अनुभूति हम और को कराते हैं वही हमें दिव्य जीवनधारी बनाती है। कि अगर आप दो प्रकार से कर्म कर सकते हो, एक तो है आप दिव्यता से और दूसरा है आप अहंकार में आकर के, घृणा में, देह के अभिमान में आकर के, मेरेपन में आकर के, मैं आकर के, और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, संबंध भी बिगड़ते हैं और कार्य भी बिगड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति, और को ऐसे फील हो कि आपके अंदर दिव्यता है, आप किसी भी चीज में कोई हानि हो जाए आप ब्लेम नहीं करते, आप इरिटेट फ्रस्ट्रेट होते हैं, कोई जय हो जाए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते, आपको कोई निंदा कर दे आप उदास, कोई स्तुति कर दे तो आप बहुत खुश, ऐसा ना हो क्योंकि वो दिव्यता नहीं है। फिर इसका मतलब कि आप बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं जिसमें कि आपको कोई भी कुछ कहे तो आप थाली का बैंगन इधर के उधर उधर के उधर हो सकते हैं, आप में स्थिरता नहीं। इसका मतलब परमात्मा कहते हैं अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा, बाप हो गए परमात्मा पिता, दादा हो गए एडम या ब्रह्मा कहें, ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, पहले क्या है डिवाइन संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। हमें हर दिन जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज को मुरली कहते हैं, आज हम उसमें से थोड़ा सा ये वरदान से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर इसके जो है 3 पेज और वो सब कुछ हमें गाइडेंस मिलती है हर दिन की, उससे हमें कैसे रिएक्ट करना, कैसे बिहेव करना, कैसे सोचना, सब कुछ सिखाया जाता है। कौन सिखाते हैं? स्वयं परमात्मा पिता, क्योंकि कोई मनुष्य किसी को दिव्य बना नहीं सकता है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। संगम युग चल रहा है, कलयुग खत्म होने वाला है, और संगम ट्रांजिशन टाइम, सत्युग का आने का, नर खत्म स्वर्ग आने का टाइम। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति कराएगी। साधारणता में क्या होगा, किसने कुछ कह दिया आप उदास हो गए, किसने आपकी भलाई कर दी आप बड़े खुश हो गए, अच्छा ही कर दिया आपको महिमा कर दी आप बहुत खुश हो गए, किसी ने आपके लिए अच्छा कर दिया आप बहुत खुश हो गए, किसी ने आपको बुरा कर दिया आप दुखी हो गए, जय हुई खुश हो गए, पराजय हुई दुखी हो गए, ये बहुत साधारण हो गया। इसमें फिर इंसान के अंदर उत्तेजनाएं आती हैं, क्रोध आता है, अहंकार आता है, घृणा नफरत आती है, या बदला लेने की भावना आती है, वो दिव्यता नहीं हुई ना। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते, उनकी जो सोच होगी बहुत ऊंची होगी, वो औरों के जैसे कर्म नहीं करेंगे, औरों के जैसे मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, औरों के जैसे ईर्ष्या घृणा नफरत नहीं करेंगे, औरों के जैसे बदला लेने की भावना नहीं रखेंगे। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, वो धन को भी बहुत ही भगवान का दिया हुआ धन समझ करके उसको कार्य में लगाएंगे, जितनी बचत कर सके उतनी बचत करेंगे उसमें, और नुकसान नहीं करने देंगे उसमें। ये सब कुछ परमपिता परमात्मा ही हमें प्रमुख हमारे सिखाते हैं, आप भी आकर के सीख सकते हैं ताकि आपका जीवन सुखद हो, खुशमय हो, सुखी हो, शांतमय हो। ओम शांति।